इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 5 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में एसएससी टाइप कुछ एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि CHSL 2008 में पूछे आ चुके हैं, क्वेश्चन है 2² + 3² + 4² इसी तरह से 10² तक इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्शन दे गए। तो हम लोग जानते हैं इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर एक ट्रिक है जो कि 1² + 2² + 3² + 4² इसी तरह से 10² तक अगर है तो इसका जो टोटल सम का जो ट्रिक है वो है n (n+1)(2n+1)/6। इसी तरह से 1+2+3+4+ इसी तरह से अगर n तक है तो इसका भी ट्रिक है या फिर फॉर्मूला है जो कि n (n+1)/2। तो सिंपली आप देखिए 1 नहीं है तो 1 लेंगे एट फर्स्ट एंड इसको इस फॉर्मूला में आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर सिंपली एट फर्स्ट 1² से लेंगे, 1² + 2² + 3² + 4² + ……… एंड 10² तक है। एंड यहाँ पर देखिए 1 जो कि एक्स्ट्रा ले गए हैं, 1² एंड 1, तो सिंपली यहाँ पर -1 कर दीजिए, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब देखिए, अब फॉर्मूला था कि n (n+1)/(2n+1)/6। तो सिंपली यहाँ पर n जो कि 10 जो कि लास्ट 10 (n+1) यानी कि 10+1 यानी कि 11 (n)(2n+1) यानी कि 10 (2)+1 यानी कि 21 (21)/6। तो यहाँ पर एट फर्स्ट 2 से कैंसिल 3 5 एंड 3 × 7 (21) एंड 55 × 7 और यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 है तो 1 भी माइनस कर दीजिए, -1 यानी कि 55 × 7 (385 - 1) जो कि 384 जो कि आपका आंसर है ऑप्शन डी। और इसी तरह से क्यूब का भी फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ इसी तरह से मान लीजिए n³ तक है तो इसका जो फॉर्मूला है n (n+1)/2 और इसका स्क्वायर, सिंपली आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो कि CPO 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √6 + √10 - √21 - √35। सेकेंड का √6 - √10 + √21 - √35 इज, और यहाँ पर ऑप्शन दे गए। एट फर्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को सही से अरेंज कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर दोनों साइड में देखिए √6 - √35 दोनों साइड में है, बाकी सब में देखिए साइन चेंज है। तो √6 - √35 एट फर्स्ट ले लीजिए, बाकी है जो कि +√10 - √21 और नेक्स्ट टर्म में जो कि √6 - √35 इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए -√10 है और यहाँ पर +√10 और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो √10 और इसमें भी माइनस जो कि माइनस होगा तो √21। अब देखिए -(-)+√21 इसको सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पर इसमें से √6 - √35 को ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, √10 - √21 को बी मानेंगे। तो यहाँ पर a + b ((यहाँ पर ए हो गया a, b, a - b) अब a + b (a - b) यानी कि a² - b² अब सिंपली a² यानी कि
स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर। अब सिंपली ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि ए स्क्वायर देख लेते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली अपर स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 35 और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट 35 स्क्वायर माइनस यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट देते हैं स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 21 और लास्ट में जो कि स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपली स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल 6 माइनस 2 इंटू अब यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट 6 इंटू स्क्वायर रूट 35 है तो 6 इंटू 35 मल्टीप्लाई कीजिए तब होगा 210 तो 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 210 प्लस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल यानी कि 35 माइनस यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर 10 माइनस माइनस जो कि प्लस होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 21 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 210 प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल प्लस प्लस और यहाँ पर माइनस जो कि माइनस होगा माइनस 21। तो सिंपली यहाँ पर देखिए माइनस 2 स्क्वायर रूट 210 और यहाँ पर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 210 कैंसिल। अब बचा क्या है देख लेते हैं यहाँ पर 6 प्लस 35 यानी कि 41 41 माइनस 10 यानी कि 31 31 माइनस 21 यानी कि 10 जो कि आपका आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2013 में पूछा है आज के टायर 2 का क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप क्वेश्चन को आप विदाउट पेन और पेपर के भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट अंडर 30 प्लस स्क्वायर रूट 30 प्लस स्क्वायर रूट 30 इसी तरह से इन्फिनिटी तक है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपली इस टाइप क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं उसका एट फर्स्ट फैक्टर देखेंगे तो 30 का फैक्टर एक हो सकता है जैसे कि 30 इंटू 1 और दूसरा जो कि 15 इंटू 2 15 इंटू 2 और एक हो सकते हैं 6 इंटू 5। अब इनमें से देखना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है 31 29 डिस्टेंस बड़ा है 13 और इन दोनों में से डिस्टेंस देखिए 1 है यानी कि 6 और 5 लेंगे सिंपली 6 और 5। अब देखिए यहाँ पर प्लस है कि माइनस, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर तो ऑप्शन सी 6 जो कि आपका आंसर है। और इस ट्रिक को अगर आप अलग से डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस ट्रिक के ऊपर अलग से मेरा एक वीडियो है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि CPO 2016 में पूछा है और इस टाइप क्वेश्चन को भी आप विदाउट पेन और पेपर के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से ऊपर में जो कि होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे कैंसिल और बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। ए प्लस बी जो कि 0.013 प्लस 0.007 तो 0.002 जो कि आपका आंसर आएगा। चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं तो सिंपली एट फर्स्ट जो कि दिया हुआ है 0.013 का क्यूब है लिख लीजिए अब प्लस 343
अब सेवन के आगे कितना डिजिट के आगे पॉइंट होगा? सिंपली देखिए क्यूब रूट हो रहा है तो यहाँ पर थ्री डिजिट का पेयर होगा क्योंकि क्यूब है, थ्री डिजिट का पेयर यानी कि थ्री पेयर है यानी कि थ्री डिजिट के आगे पॉइंट होगा, यानी कि 7003 डिजिट के आगे पॉइंट और इसका क्यूब। अब नीचे देख लीजिए, नीचे है 0.013 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए इंटू बी दिख लीजिए 0.013 इंटू 0.007 करेंगे तो 0.00091 होगा, प्लस इसी तरह से 0.007 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, ध्यान से देख लीजिए। अब सिंपली 0.013 इक्वल टू ए, 0.007 इक्वल टू बी मान लीजिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो कि कैंसिल हो जाए तो ए प्लस बी, तो सिंपली ए यहाँ पर जो कि 0.013 प्लस डी जो कि 0.007 यानी कि 0.02 जो कि ऑप्शन बी आपका आंसर है। और इस टाइप क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ देखकर विदाउट पेन और पेपर के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2010 में पूछे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो एट फर्स्ट दिया हुआ है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन 112 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो सिंपली एट फर्स्ट मान लीजिए 256 जो कि ए और 144 जो कि बी, तो सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब 112, तो सिंपली 256 माइनस 144 करेंगे तो 112 आएगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ए माइनस बी 112 को ए माइनस बी, क्योंकि 256 माइनस 144 को माइनस करेंगे तो 112, तो सिंपली आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी कैंसिल यानी कि ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू जो कि 256 प्लस 144 यानी कि 400 जो कि ऑप्शन बी का आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।